बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सभी सुंदर साजी की चरणों में शत शत नमन। सुंदर साजी, आज श्री परम धाम की सातों परिक्रमा आत्मिक नजर से करने का प्रयास करते हैं। आप श्रीराज श्यामा जी की अपार मेहर से तो आइए हम खुद को एकाग्रचित करते हुए तारतम का मौन जप करते हुए श्री पन्ना जी की उन पावन धारा से होते हुए दिल में ये भाव दृढ़ कर रहे हैं कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूँ, मैं उनकी दुल्हन हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है। बड़ी कोमलता से कदम धरते हुए हम पहुँचते हैं गुम्बद जी में। गुम्बद जी में साक्षात विराजे प्रिय प्राणनाथ जी के नूरी चरण कमलों में सिजदा कर रहे हैं। और बड़े ही प्रेम से दिल में भाव ले गुम्बद जी की निज परिक्रमा करते हुए श्री जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। पिया जी की नूरी जोश की शक्ति हमें लेकर चल रही है इन 14 लोक से परे, अष्ट आवरण के भी परे। घने मोह सागर को पार करते हुए बेहद भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं। सुमंगला शक्ति को देखते हुए, आगे ब्रज रास की लीलाएं देखते हुए, सत स्वरूप से होते हुए अपने निज घर श्री धाम श्री परम धाम में पहुंच गए।
परम धाम की अलौकिक छक को निरखते हुए और वो खुद को देख रही है अपने निज घर श्री रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख। धाम दरवाजे की अति सोनी शोभा नूरी दर्पण का खिला खिला द्वार लालिमा से भीगी चौखट और हरित आभा फैलाते पल्ले कुंडी सांकल की अपरंपार शोभा। द्वार स्वतः खुल रहे हैं धाम दरवाजे को पार किया 28 स्तंभ के चौक की नूरी शोभा देखते हुए 28 स्तंभ के चौक की अति प्यारी शोभा खीर कराए थम्बों की सोनी शोभा मेहराबों की सोनी शोभा तली किलम ऊपर चंद्रमा सुंदर बैठ के अट्ठाईस स्तंभ की चौक की नूरी शोभा को दिल में ले आगे रसोई की हवेली की सोनी शोभा मेलानों की वो सुंदर शोभा श्याम स्वीट मंदिर की शोभा धाम की पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली के नूरी नजारे सब सखिया एक दूजी को दिखलाती हुई उन सखियों के प्रेम प्रीत में ही पिया जी उन मध्य चबूतरे को पिया जी को प्यार से उरकवाने की लीला रूह को स्मरण हो रही है। श्री राज श्यामा जी बड़ी प्यारी अदा से विराजे हैं और लाड बाई का ज्योत प्रेम और प्रीत के संग भोजन परोस रहा है। तरह तरह की शाक मेवा अथाने मीठे व्यंजन शीतल पे दौड़ दौड़ के सखियां पिया जी के लिए पकवान लाती हैं और बड़े प्यार से पिया जी भी आरोगी कि मैं अभी लाई और पिया भी प्यार से आरोपते हैं कि अति स्वादिष्ट और अपने मुख का मेवा काट के रूह के मुख में देते हुए उस समय पिया की छक उनकी नजरों में वो लाड श्यामा जी की वो मंद मंद मुस्कान दंतावली के दर्शन श्री राज श्यामा जी
रसोई की हवेली की सुंदर शोभा को निरख। तीन चौरस हवेली और पार की तो सामने अपना मूल मिलावा। खीर कराई मंदिरों की हार, एक थम की हार दो कलिया, ठीक मध्य चबूतरे की सुंदर शोभा, 64 थम चबूतरा। किनार पर आई तंबू की सोनी चुकर, सुंदर पश्चिमी किलम सिंधिया रंग की, किनार पर 4 रंग की तोरी। और इन किलम में 1000 पंखड़ी की कमल के फूल पर पिया जी का नूरमयी कंचन रंग का अति सुखदायी सिंहासन, और उन सिंहासन पर हमारे प्राण वल्लभ, हमारे धाम धुला श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। रू उनके चरणों तले घुटनों के बल बैठ, पिया जी की नूरानी छवि का अपलक दीदार कर रही है। श्री श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान है, और शिवराज जी का पाया चरण कमल नूर की चौकी पर, और दाया बाई जांघ के रू अपने नूरी नूरी हस्त कमलों में शिवराज जी के नूरी चरण कमलों को ले रही। उन चरण कमलों की नाजुकता, वो मीठा स्पर्श, चरण तली की जोत लालिमा गहराई हुई, और कदम तली के ऊपर की जोत अंगूठे अंगुरियों की शोभा, और काढ़े अंग में झांझरी घुंघरी कांबी कटला की शोभा। रू बड़े प्यार से पिया जी के चरण कमलों निहार रही है, और सर्व अंगों से सिजदा कर रही है। शिवराज जी ने नूरी श्वेत रंग का जामा, केसिया रंग चढ़ाव की इजार, कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका बड़ी प्यारी अदा से धारण किया है, और उनके कंधे पर
आसमानी रंग की महीन पिछोरी, और इन पिछोरी में से प्रतिबिंबित होती पिया जी की हीरी स्थल पर विराजे नूर में हार उनकी टुकटुकी। पिछोरी में से दीदार देते नूरी हारों की झलक, उनके नूरी वस्त्रों की शोभा, उनके नूरी अंग पर शोभायमान होती हुई उनके ही अंग की शोभा। और जामे में से झलकती इजार, और अब रूप शिवराजी के हस्त कमलों को अपने हाथों में ले, हस्त कमलों की नाजुकी, उन सुंदर अंगूठियों की शोभा, पिया जी की पहुंची कड़ी की शोभा और बाजू में बाजूबंद की शोभा को निहार रही है। पिया जी ने भी कितनी कोमलता से प्यारी रूह का हाथ थामा है। वो उनका मीठा मीठा स्पर्श, वो प्यारा सलाड, और जामे की वो महीन महीन चुनती आभूषणों से भी सरस, राजी की वो मुस्कान रूह को खींचते हुए उनकी गुलाबी गुलाबी होठों की शोभा, गालों की शोभा और उनकी उज्जवल नासिका में आई बेसर, श्रवण अंग में आई कुंडल, पिया जी की वो अति सुंदर तिरछे नयन, भौं ब्रैकटी और मस्तक पर विराजी तिलक की शोभा, और शीश कमल पर सेंधिया रंग चढ़ाव की अति सुंदर पाक, पाक का एक एक लपेट उनमें आए नग कलंगी तुकतुकी। रू अपलक पिया जी की उन मुस्कान को, उनके अंग अंग की मुस्कान को, उनकी नजरें, उनके काल, उनके होठ, उनकी श्रवण अंग मुस्काते हुए और रू को बड़े प्यार से निरखते हुए
अपलक इन प्यारी सी शोभा का दीदार कर रही है। श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर उन चरण कमलों की सुंदर शोभा, बिच्छू की शोभा, अनमट की शोभा, झांझरी घुंघरी कांबी कटला, श्यामा महारानी जी के नूरी चरणों की अनुपम शोभा को वो निरख रही है, सिजदा कर रही है। हमारी प्यारी श्यामा महारानी ने नीली लाई को चरनिया श्याम रंग चढ़ाव की कंचू की और सिंध्या रंग चढ़ाव की साड़ी बड़ी प्यारी अदा से धारण की है। उनके हेड़े स्थल पर विराजे हार, कंठ सरी रानी हार की शोभा भी उनकी साड़ी में से झलकती हुई। पिया जी की हारों का दीदार भी पिछोरी में से और श्यामा जी में साड़ी में से, मानो हम रूहों को धनी ने अपनी मेहरों की अपनी लाड की छांव में रखा है। साड़ी में झलकती उनकी चरनिया कंचुकी हारों की शोभा निरख अब रोज श्यामा जी की हंस कमलों को अपने हाथों में ले रही। हंस कमलों की नाजुकी सलू की सुंदरता, नखों का तेज, अंगूठियां, आरसी की शोभा और नूरी कलाई में पहुंची नव घड़ी नव चोर कंकनी की शोभा और बाजूबंद की शोभा को बड़ी प्यार से रो निरख रही है।
श्यामा महारानी का हंसता मुखारविंद, उनकी नजरों में रूहों के लिए बेशुमार लाड, नासिका में मुरली की शोभा, उनके मुस्काते होठ और श्रवण अंग में छाले की सुंदर शोभा, मस्तक पर झूमते उन बेंदे की प्यारी सी शोभा, शीश कमल पर राखड़ी और राखड़ी में आया माणिक, उस साड़ी का पल्लू श्यामा महारानी ने कितनी प्यारी अदा से लिया है कि राखड़ी श्रवण अंग में आए आभूषण और उनकी नूरी पीठ का दीदार, उनकी बेनी का दीदार, कंचुकू के बन और हारों के फुंदों का दीदार भी साड़ी में से झलकता हो। पिया जी का, श्यामा जी का नूरानी मुखारविंद, कैसी प्रसन्नता से लबरेज मुख कमल पर छाई वो मुस्कान मीठी मीठी, नख से शेख युगल पिया की नूरी छवि को दिल में ले, अब पिया मूल मिलावे की सुंदर शोभा को दिखलाते हुए सिंहासन की प्यारी सी शोभा, छे डांडी छे पाई एक एक डांडे में दस दस रंग जवेरों की, एक गादी दो चाकले पांच तकिए आठ कलश हेम के, अति सुखदाई सिंहासन पर हमारे पिया जी विराजे हैं, तले किलम ऊपर चंद्रमा की चोट, और पिया जी के चरणों तले हमारे मूल तन, युगल पिया की छवि को दिल में रखी अब रो, दूसरी भूमि में भूलवनी की अपरंपार शोभा को, भूलवनी की सुंदर शोभा को निरख रही है नूरी दर्पण के मंदिर, और एक एक प्रतिबिंब के हजारों लाखों प्रतिबिंब प्यारी सखी दूसरी सखी को पकड़ने दौड़ती है और उन दर्पण से टकरा जाती है, तो हंसी की लीला तालियों की वो मीठी गूंज, नूरी दर्पण की एक एक मंदिर की शोभा, मध्य चबूतरे पर वो श्रृंगार सजना, कभी खड़कली में झीलना करके फुलवनी में रामते करना, तो कभी रामते करके फुलवनी खड़कली में झीलना,
और श्री रंग महल की तीसरी भूमि की शोभा दिखलाते पिया वो बड़ी विशाल बैठक, बड़ी बड़ी मेहराबे, बड़े बड़े द्वार और वो प्यारी सी लीला। सखियां बड़े प्यार से श्यामा जी को श्रृंगार सजाती हैं, राजी को श्रृंगार सजाती हैं और श्यामा जी सखियों के मिलावे के संग जब पिया मिलन को आती है और 28 स्तंभ के चौक में उतरती सीढ़ियों में वो मध्य सीढ़ी पर युगल पिया को वो मधुर मिलन, वो प्यारी सी छवि, और जब तीजी भूम की पड़शाल से पिया पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं उन समय चांदनी चौक में संपूर्ण पशु पक्षी उमड़ते हुए, आसमान भी सिजदे में झुकता हुआ, वन मोहलाते सभी सिजदे में झुकती हुई और जमुना जी का जल भी उमड़ के पिया का दीदार करता है। और चौथी भूमि में पिया संग नीरद की वो अलौकिक लीला, मैं ही तो नवरंग बाई जो पिया सन्मुख नृत्य पेश कर रही, नृत्य के उस उमंग में उस आनंद में सभी सखियां श्री राज श्यामा जी झूमते हुए नृत्य की अलौकिक शोभा, उन हवेली की अलौकिक शोभा, देलान की प्यारी सी शोभा, कहीं पुखरा जी आभा में महकते मनते तो कहीं हीरा से खिलखिलाते और कहीं माणिक से जड़े जड़े, धाम की अलौकिक निरत, परम धाम के 25 पक्ष में सभी को यही महसूस होता कि मेरे ही तो सन्मुख ही निरत हो रही है। और श्री रंग महल की पांचवी भूमि पिया मार्फत की वाहिदत के वो सुख देते, नूरी सेजा के सुख, रंग पर वाली मंदिर के सुख, छठी भूम सुखपालों का तख्तरवा का स्थान, सातवीं आठवीं भूम में हिंडोलों के अपार सुख,
कहीं दो हिंडोलों की ताली तो कहीं चार हिंडोलों की ताली, और आमने सामने नजरों में नजर बांध के हिंडोलों में झूलना अति सुखदाई। कहीं नूरमयी कंचन के, कहीं हीरा के, कहीं फूलों के हिंडोले, और प्रत्येक सखी सामने शिर्रा जी के नजरों में नजर डाल के उन प्यारे सुंदर समा में हिंडोलों में झूमती हुई। और श्री रंग महल की नवी भूम दूरदर्शिका देखिए तो पिया हमें नजरों से धाम परम धाम के नजारे दिखला रही है। कभी यमुना जी के दर्शन कराते, कभी माणिक पहाड़, कभी पुखराज पहाड़, अंगुली के इशारे से, और उन समी पिया जी के हस कमलों की उन नूरी ज्योत में ही रूखो सी जाती है। श्री रंग महल की 10वीं चांदनी मध्य चबूतरे के सुख पूनम की रात्रि में इन चांदनी के सुंदर नजारे बेशुमार बाग बगीचे नहरे चबच्चों के सुख तैलान के गुमटों के गुमटियों के सुख कलर ध्वजा पताका कहीं फूलों के बगीचे कहीं धूप बिछी कहीं मेवे खिले हैं। शिवराज जी ने बड़े प्यार से लाड़ से पहली परिक्रमा संपूर्ण कराई। अब पिया जी लेकर चल रहे हैं दूसरी परिक्रमा में। श्री रंग महल के सन्मुख सात वनों के सुंदर नजारे और धाम दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा लाल हरे वृक्ष की शोभा केल लिपोई अनार अमृत जांबू नारंगी और पटवन की प्यारी सी शोभा और अमृत वन के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक शोभायमान होता हुआ उन चांदनी चौक की नूरमयी रेती में सभी सखियां और बादल भी झूम के बरस उठे। वो मल्हार रुत में चांदनी चौक में पिया संग आनंद रंगीन बादलों से रंगीन बारिश की एक एक बूंदी पिया के संपूर्ण नूरी स्वरूप को समाये।
और आगे नजर हुई तो अक्षरधाम और दोनों धाम के मध्य यमुना जी। अक्षरधाम और रंग महल उनके मुख्य द्वार आमने सामने बराबर झलकार करते हुए। सात वनों की शोभा, उनकी नरमाई कोमलता, उनकी सुगंधी, उन अनार के दानों के समान वो एक दिली यमुना जी की शोभा, अक्षरधाम की शोभा। इन शोभा को दिल में ले रूह अब दक्षिण की ओर मुड़ती है। 16 हास्य बच्चे की सुंदर शोभा, उछलते ऊंचे मानो आसमान की ऊंचाई को छूमते उनके फवारे अति विशाल। 16 पहल, 16 श्रृंगार सज, इश्क विरह रस में डूबकर, पिया के प्रेम में डूबकर 16 श्रृंगार सज रूपिया को पाती है। और दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की सुंदर अनुपम शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनी चौक और उनमें आए वृक्ष, एक बट एक पीपल, उनमें आए हिंडोलों की शोभा और उनका मिलान रंग महल से होता हुआ। उन विशाल हिंडोलों में पिया संग आइए, उन हिंडोलों को झूमे, तले चय बच्चे उठ रहे हैं और उन चय बच्चों पर 4 हिंडोलों की ताले, पिया संग, श्यामा जी संग, सखियों संग, पट पीपल की चौकी में हिंडोले के आनंद, और कैसे पशु पक्षी इन लीला को देखने के लिए उमड़ते हैं। श्रीराज तू ही की मधुर ध्वनि, उछलते फवारों के बीच में धाम के नूरी सरों, हिंडोलों में झूमते हुए। चार भूम पांचवी चांदनी, और पिया दिखला रहे हैं पश्चिम दिशा में फूल बाग, और फूल बाग के तले नूर बाग के नजारे, अपरंपार सुगंधी, बेशुमार रंगों के फूल खिले, फूल की एक एक पंखड़ी में पिया का नूरी सरो, वो लीलाएं, और उछलती नहरों से भीगे भीगे उन फूलों की शोभा। घेर कर आए बड़ो वन की सुंदर शोभा, और आगे नजर होती है तो अन्न वन, धूप दुलीचा,
पश्चिम की चौगान, पश्चिम की चौगान में अस्वारी के सुख, घोड़े हाजिर होते हुए उन पर अस्वार हो हम सब सखियां। अब नूरे घोड़ों पे अस्वार हो के पूरी पश्चिम दिशा की शोभा देखना, फूल बाग तले नूर बाग, अनवन अनवन में आई देहोरियां रूप दुलीचा, उनमें आई सुंदर दो देहोरियों की शोभा, आगे पश्चिम की चौगान, पश्चिम की चौगान में बने वो रेती के नूरी चौक, और पशु पक्षी इंतजार में कब हम पर सवारी करेगी रूम। और अब उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सुख, 40 हाँसों में शोभायमान लाल चबूतरा, 40 जुदी जुदी रंगों से खिलती गिलम, आगे बड़ो वन की शोभा और उनके नूरी अखाड़ों में पशु पक्षियों की वो लीला। उत्तर दिशा में बड़ो वन, ताड़ वन, कैसी प्यारी अदा से इनकी एक ही भूमि में रंग महल की संपूर्ण शोभा समा गई। और लाल चबूतरे के वो हिंडोले एक भूमि ऊंचाई पर झूलना, और तले पशु पक्षी मुंह उठा के देख रहे हैं, और हम एक भूम ऊंचाई पर श्री राज श्यामा जी और सखियों संग हिंडोलों में झूल रहे हैं। वो रोमांच शीतल मंद मंद हवा में, और तले पशु पक्षी पुकारते हुए कि रू एक नजर मुझे भी तो देखो। ताड़ वन में भी बट पीपल की चौकी की माफक सुंदर हिंडोले, नहरे चबच्चों पे झूलने के आनंद, और अब पिया ले चल रहे हैं पुखराज की ओर, वो धाम की फूलों की तीन सीढ़ियां चांदनी से घोड़ों से एक पल में ही पार कर लिया, बड़ो वन मधुवन महावन उनकी नूरी शोभा को निरखते हुए। श्री राजी संघ आ पहुंची पुखराज पहाड़ की स्वर्णिम आभा में, आकाशी महल की शोभा, हजार हास महलों की शोभा, पश्चिम उत्तर दिशा में वो विशाल घाटियां में गिरती जल की चार धाराएं, और अद्विज के कुंड में गिरती वो 16 धाराएं।
ढपो चबूतरा के सुख मूल कुंड, और मूल कुंड से जमुना जी का प्रगटन, 25 देहरियों की सुंदर शोभा। और जब यमुना जी प्रकट होकर चलती हैं तो उन समय की शोभा, मरोड़ पर हिंडोलों की शोभा, पुने हिंडोलों के सुख, पिया संग सदैव आनंद में मस्ती में झूमती रूहें। खेल पुल तक 5 महल, 4 चबूतरों की सुंदर शोभा, जमुना जी की वो नूरी शोभा, खेल पुल, खेल पुल और बट पुल आमने सामने बराबर शोभायमान होते हुए, पाल पर भी वन मोहलाते, हिंडोलों की शोभा, छूटक देहरियां, पाठ घाट, जमुना जी की पाल पर आए वृक्ष जिस भी वन के सामने आते उसी घाट का रूप लेते हुए, और बट घाट की तो अति सोनी शोभा, ऊंची अत्यंत देहो ज्यो, बट पुल से मरोड़ तक पुने 5 महल, 4 चबूतरे, और जब जमुना जी लौट चलती हैं भोजपुर सर की ओर, तो देहरियों की सुंदर शोभा, और यमुना जी होज कोसल में समाती हुई, जमुना जी के प्रकटन से ले होज कोसल समाने की वो सुंदर शोभा, एक बार फेर के देखे उन धाम के नूरी पर वाले घोड़ों पे सवार होके, यमुना जी का प्रकटन, उन समय की कल कल की ध्वनि, मरोड़ तक के सुख देहरिया कला ध्वजा पताका, मरोड़ पर हिंडोलों के सुख, 5 महल 4 चबूतरे, और केल पुल बट पुल के मध्य यमुना जी एक ताल के रूप में सुंदर शोभायमान होती हुई, और संपूर्ण शोभा में जल चबूतरे पर वनों की शीतल छाया, और जमुना जी जब होश कोसर की ओर मुड़ती हैं तो भी दोनों तरफ देहरियों की सुंदर शोभा, होश कोसर ताल की सुंदर शोभा, टापू महल, चारों घाटों की शोभा, झुंडका घाट, 9 देहरी, 13 देहरी, 16 देहरी का घाट, और वो पल याद आते हुए कि जब पिया संग असवारी करके झुंड के घाट की तरफ से होज कोसर में प्रवेश करते हैं, और ताल में बेशुमार पशु पक्षी इंतजार कर रहे हैं, धर्म
दक्षिण दिशा में और नजर आगे जाती है तो जो भी सांस मौलाद की सुंदर शोभा। उछलते 25 फवारे और नेहरे चपच्चे प्रत्यक्ष रूप से दीदार देते हुए अनुपम शोभा जो भी सांस मौलाद की। हम सब सखियों के अंग प्रतंग थिरकते हुए कि पिया ने दूसरी परिक्रमा भी संपूर्ण कराई। और अब इन संपूर्ण शोभा को घेर कर जवेरों की नहरें चढ़ती सीढ़ियां उतरती सीढ़ियां एक एक सीढ़ी चढ़ के पिया के इलम को इश्क को लेते हुए गहराइयों तक चढ़ना और एक एक सीढ़ी पिया के उन दिल में उतरना। यहाँ के एक एक कण में माहौल मंदिर बगीचे एक एक फूल एक एक पत्ती में जल की शोभा पिया का इश्क रूह को लबरेज करता हुआ और उन जल की बूंदियों की अटखेलियां कैसे तरह तरह के दृश्य प्रस्तुत करती हुई कभी फूल बन के खिलती हुई तो कभी श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप को नजरों में लाते हुए। उन इश्क की बूंदियों से इश्क में भीगे भीगे तीसरी परिक्रमा के बाद अब पिया ले चल रहे हैं चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़। इश्क की पराकाष्ठा मानक दे सखी को सुशोभित माणिक पहाड़ की शोभा। और माणिक पहाड़ की हद में आए पड़ो वन मधुवन महावन की शोभा। बारह हजार भूमि पर चांदनी के सुख उतरते जल के सुख महाबिलन हिंडोले एक एक हिंडोले में श्री राज श्यामा जी और सखियां। आइए आज 11,990 भूमि ऊपर से आते हिंडोलों में पिया संग विराजते हैं। एक ही डोले में श्री राज श्यामा जी और सभी सखियां पिया से हास विलास करते मस्तियां करते और हिंडोले झूलते समय पिया जी के उन नूरी स्वरूप का दीदार करते। श्यामा जी की लहराती साड़ी और पिया जी की पाक का वो लटकता उनके हिलते हार भूम दर भूम जल की गिरती धाराएं अपरंपार बड़ी बड़ी धाराओं के वो जल की सुंदर शीतलता वो गर्जना
शिरा जी अब लेके चल रहे हैं पांचवी परिक्रमा में, वन की नहरें घेर कर वन की नहरों की सुंदर शोभा। पहले आड़े खड़ी विशाल नहरें, उनके मध्य चौक, उनमें आया विशाल वृक्ष और एक एक वृक्ष पर एक एक हवेली का, फूलों की हवेली का विस्तार। माणिक पहाड़ के समान हवेली, हवेली में माहौल, मंदिर, कोठरियां। और यहां पर पशु पक्षियों की बेशुमार लीलाएं। हम वन की लहरों में हैं, बेशुमार पशु पक्षी उमड़ के अपनी लीलाओं से रिझाते हुए प्रेममयी लड़ाइयां लड़कर, नृत्य कर कर, गा कर रिझाते हुए उन विशाल हाथियों की शोभा देखिए, उन जिराफ की। कोई एक रंग के हाथी, कोई दो रंग के। वो बड़े बड़े पशु पक्षी कैसे सवारी करके इनकी संपूर्ण भूमों के दर्शन कराते, भूम दर भूम वन के फूलों की सुंदर शोभा। कुंज निकुंज का विस्तार मानो यहीं से खोज को सर, जो भी सांस के मौल को घेर कर कुंज निकुंज फूलों के महल। और यहाँ पर फूलों के महलों का विस्तारित स्वरूप, और अब चलती हैं छठी परिक्रमा छोटी राम। घेर कर आई चार हार हवेलियां, एक एक हवेली की शोभा, चारों दिशाओं में आई चांदनी चौक और एकल मिलान वन की नहरों और छोटी राम का। 32 पहलों में शोभायमान, हांस हांस में रंग बदलती खुशहाली सुंदर शोभा छोटी राम की। एक एक हवेली हमारी साई भी दिखलाती, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। एक हवेली में गए तो 12,000 मोहलों की 12,000 हारे, मोहल्लों में मंदिरों की, मंदिरों में कोठरियों की, अपरंपार साहिबी पिया दिखलाते हुए। प्यारी रूह अब आओ धाम की सातवीं परिक्रमा में, पिया दिखलाते। सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग, आठ सागर आठ चीनी के सुंदर नजारे। अगिन कोण में नूर सागर की सुंदर शोभा, धनी की शोभा का सागर। टापू महल, वन, महाबिलंद हवेलिया, सभी नूरी श्वेत रंग में, पशु पक्षी भी श्वेत रंग में। और देखिए तो हमारा श्रृंगार भी श्वेत रंग में बदलता हुआ, वो हीरे के सुंदर आभूषण अंग से लगते हुए।
नील सागर की ओर बढ़े तो बीच में एक अद्भुत शोभा जिमी दो रंग से खिलती हुई, नूर और नीर के रंग की वो सुंदर छाया उन जिमी पर फूलों की इन सुंदर विशाल मोहलात पर आती हुई, और चांदनी पर माणिक पहाड़ की चांदनी की तरह नजारे इन माँ विलंद हवेलियों पर और जिमी की चांदनी पर। जिमी दो रंग में खिलखिलाती हुई, नीर सागर रूहों की शोभा का सागर, संपूर्ण शोभा लालिमा में बिखरती हुई, पिया जी की बाग, श्यामा जी की साड़ी, वो लालिमा लिए हाथी शेर कितने सुंदर लग रहे हैं। आगे बढ़ी खीर सागर, एक तिली का सागर, संपूर्ण शोभा पीले रंग में, जल टापू महल रीति चारों कोनों में आए रेती के मैदान भी पुखराज नक्शे जैसे खिलखिला रहे हों, और वृक्ष भी पीले रंग के, और देखिए तो फूल की एक एक पंखड़ी कैसे मस्ती में झूमती हुई आपके पास आ रही है और आपके गले का हार बन के झूम उठती है, तो कभी अंगूठी बंद कर। और पश्चिम दिशा में दधी सागर, एक दिल होकर पिया के विरह में डूबकर श्री राज श्यामा जी के नूरी श्रृंगार सजती है रूप, हरित रंग में खुशहाली की प्रतीक, अखंड सुहाग का प्रतीक, टापू महल की एक एक छवि में, वृक्ष की एक एक छवि में पिया का नूरी स्वरूप, युगल पिया का वो नूरी श्रृंगार झलकता हुआ। हृत सागर, इश्क का सागर, संपूर्ण शोभा आसमानी रंग में, पिया के इश्क की वो शीतलता, और मधु सागर इल्म का सागर श्याम रंग में, इश्क इलम में ओत प्रोत रूप। अब पहुंचती है रस सागर, निस्बत की पहचान, परातम अवस्था की पहचान, दस रंग में खिलता हुआ, और श्यामा जी लेकर चलती हैं सर रस सागर धनी के पास, पिया चरणों के, हमारे श्री राज श्यामा जी के चरणों में, सर रस सागर धनी की सभी मेहरों से, लाड से, प्रेम प्रीत संपूर्ण न्यामते समेटा। आठों सागर धनी की सभी न्यामतों को समेटे, आठ सागर आठ चीनी, ऊंचे आसमान की ऊंचाई से आठ सागर आठ चीनी, उनके रंगों की झलकार मूल मिलावे तक, मूल मिलावे से ही ये आठों सागर पिया के
उन लाड से। शिवराज जी का बेशुमार लाड कि आज उनके संग रू ने धाम परम धाम की सातों परिक्रमा। श्री रंग महल की 25 पक्षों की शोभा को श्री राज श्यामा जी के उन नूरी स्वरूप को उनके लाड को उनके प्यार को उनकी उन निगाहों को दिल में लिए रूह अब बेहद से होते हुए हाथ ब्रह्मांड को भी पार करते हुए गुम्मत जी में पिया जी के सन्मुख खुद को देख रही है। मेरी पिया तेरा लाड बेशुमार। एक पल को भी आपके चरणों से दूर ना हो मेरे पिया श्री राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा जी। प्रणाम जी। सुंदर साची आपके चरणों में शत शत नमन।